अस्सलामु अलैकुम। हमारा लेक्चर 3 चैप्टर 1 और लेक्चर इसका है 3। अटैचिंग द स्टाइल टू द डॉक्यूमेंट्स, तीन तरीकों से हम थ्री वेव्स हैं CSS लैंग्वेज को अप्लाई करने में किसी भी HTML डॉक्यूमेंट्स पर। फर्स्ट एक्सटर्नल स्टाइल शीट, सेकंड एम्बेडेड स्टाइल शीट, थर्ड है इनलाइन स्टाइल्स। अब हम फर्स्ट इसकी करते हैं। एक्सटर्नल स्टाइल शीट, एन एक्सटर्नल स्टाइल शीट इज़ अ सेपरेट टेक्स्ट ऑनली डॉक्यूमेंट्स है, जो जिसमें हम CSS के रूल्स लिखते हैं और इसका नाम जो होता है कुछ भी आप अपनी मर्जी से रख लें, माई स्टाइल रख लें, स्टाइल्स रख लें, लेकिन उसकी एक्सटेंशन .css होगी। इस जो सी जो हमारा ये फाइल होगी एक्सटर्नल स्टाइल शीट की, ये हम एक HTML से लेकर ज़्यादा HTML डॉक्यूमेंट्स पर अप्लाई कर सकते हैं। इन दिस वे ऑल फाइल जो हमारी वेबसाइट्स पर होती हैं, एक सिंगल फाइल से हम अपना स्टाइल शीट जो होता है वो सेम स्टाइल शीट जो हमारी एक फाइल होती है उसमें जितने हमारे वेब पेज होते हैं उनमें शेयर कर सकते हैं हमारा जो स्टाइल है। इसके थ्रू शेयर करने से आप घबरा ना जाएं, जस्ट इसका लिंक प्रोवाइड करते जाएं हर पेज के ऊपर, उस पर स्टाइल अप्लाई होता जाएगा। दिस इज़ द मोस्ट पावरफुल एंड प्रेफर्ड मेथड फॉर स्टाइलिंग शीट टू कंटेंट। ये बहुत मोस्ट पावरफुल है और मैं इसको प्रेफर करता हूँ, आपको रिकमेंड करता हूँ हमेशा आप इसी के ऊपर काम करें। लेकिन जो हमारा नेक्स्ट सेकंड है एम्बेडेड स्टाइल शीट, समटाइम आपका मूड चेंज, जो मूड सही मूड आपका ये हो कि मैं इसके अंदर ही लिख दूँ स्टाइल, अलग से फाइल ना बनाऊँ, तो तब हम इसको यूज़ करते हैं। सो अपने हिसाब से आप कोई भी फेस जो भी आपको सूट लगे, लेकिन एक्सटर्नल सबसे ज़्यादा बेस्ट है। हेड ये हमेशा हेड के अंदर ही लिखते हैं, जैसा कि वो पर्पल कलर के अंदर लिखा हुआ है, इस तरह के जैसे हमने पिछली एक्सरसाइज की है लेक्चर 1 के अंदर, वो भी एम्बेडेड स्टाइल शीट थी कि उसी पेज के अंदर आप कोई भी स्टाइल लिखेंगे उसको एम्बेडेड स्टाइल शीट कहेंगे। This style element must be placed in a head of a document. Document के अंदर जो head होता है इसके अंदर ही हम इसको लिखते हैं। अब जो हमारी last है inline styles, इसमें भी इसमें हम just एक जो हमारा अगर हम चाहते हैं कि इसका style अलग से हो head का, तो इसके अंदर हम हेड टैग के अंदर जिस तरह कोई भी टैग हो उसके अंदर हम रख से जो भी स्टाइल लिखेंगे टैग के अंदर, जैसे कि ये पर्पल कलर में मैंने एक स्टाइल लिखा हुआ है, उसको हम इनलाइन स्टाइल कहते हैं। इसकी सेकंड एग्जांपल भी आपको दिखा देते हैं, जिसमें मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ हैं और सेमी कॉलम से सेपरेट की हुई है दो वैल्यूज़ को, डिक्लेरेशन लिखी हुई है स्टाइल, और ये इन दोनों में डिफरेंस मार्जिन में दिया हुआ, टॉप मार्जिन 2 EM दिया हुआ, कलर दोनों का रेड रखा हुआ है। इन एल स्टाइल शीट अप्लाई ओनली पर्टिकुलर एलिमेंट इन विच दे अपीयर, ये इसको मैं चाहता हूँ इससे थोड़ा सा अवॉइड रखें, क्योंकि ये एब्सोल्युटली जब आपको ज़रूरत हो इसकी तब ही इसका इस्तेमाल करें, वैसे अवॉइड रखें, क्योंकि जो हम एम्बेडेड स्टाइल या एक्सटर्नल स्टाइल शीट जो अप्लाई करते हैं उसके उस स्टाइल के ऊपर इसका स्टाइल ओवरराइड होता है, यानी कि पहले से स्टाइल अप्लाई होता है उसके ऊपर हम इसका स्टाइल जब इनलाइन देते हैं, जब हमें ज़रूर महसूस होती है कि नहीं या इस लाइन का स्टाइल कुछ और हो, तो तब हम इसको इस्तेमाल करते हैं। अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो तो आप इसको इस्तेमाल करें, अदरवाइज एक्सटर्नल स्टाइल शीट सबसे बेस्ट है। HTML जो CSS कमेंट्स कैसे देते हैं, ये हेल्पफुल होते हैं आपके लिए। इसके CSS के कुछ अपना ही असूल है कमेंट्स देने का, वो जो असूल है वो आपके सामने है कि जिस तरह HTML के अंदर हम कमेंट्स देते हैं, इस तरह आप इसके अंदर भी
कमेंट्स लिख सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपने आपको पहले ये ऐसे जो फॉरवर्ड स्लैश है इसको आगे स्टार डालकर फिर कमेंट्स का जोन डालकर फिर स्टार डाल इसके अंदर जो भी लिखेंगे ये आपके कमेंट्स होंगे स्टाइल शीट के अंदर। और HTML फोर एप भी मैं आपको दिखाता हूँ, जो HTML फोर होता है और XML के अंदर स्टाइल एलिमेंट मस्ट कंटेन अ टाइप एट्रीब्यूट से होता था, लेकिन इसके अंदर जो HTML5 है इसके अंदर नो लॉन्गर रिक्वायर, इसमें ज़्यादा रिक्वायर नहीं है HTML5 के अंदर। इसमें आप सिंगल स्टाइल एलिमेंट में आल्सो इंक्लूड मीडिया एट्रीब्यूट और अगर अदर स्क्रीन प्रिंट वगैरह हैंड हेल्ड डिवाइसेस के लिए ये पहले से ही कंपैटिबल है। इस वजह से अगर आप जब एम्बेडेड स्टाइल शीट लिखेंगे उसके अंदर स्टाइल टाइप कोई लिखना ज़रूरी नहीं है, अगर आप ना भी लिखेंगे तो स्टाइल अप्लाई हो जाएगा। अब आपको एक्सरसाइज फाइल्स के बारे में बता देते हैं। ये हमारी एक्सरसाइज फाइल्स हैं, ये आपको जैसे मैंने पहले भी बताया है कि आप rana.pk.com जब ओपन करेंगे उसमें जब लेक्चर ये वाला ओपन करेंगे उसके नीचे डाउनलोड की ऑप्शन होगी, उस पर क्लिक करें तो ये इस तरह फाइल जिप फाइल में आपको मिल जाएगा। इसको एक्सट्रैक्ट कर लें या winrar इंस्टॉल किया तो इस तरह नज़र आएगी, वरना वैसे भी विंडो winrar के अलावा भी इसको एक्सट्रैक्ट कर देती है। तो जब आप एक्सट्रैक्ट करेंगे तो इसके अंदर ऐसे ये फोल्डर ओपन हो जाएगा, ये फोल्डर बाहर निकलेगा। इसके अंदर ये तीन फोल्डर होंगे, पहला आज हमने किया है एक्सटर्नल स्टाइल शीट, उसके बाद एम्बेडेड, फिर इन स्टाइल। एक्सटर्नल के स्टाइल शीट के अंदर ये देखें इसमें फ़र्क क्या है कि मैंने हेड के अंदर जस्ट जो मेरी स्टाइल शीट है उसका मैंने इसके अंदर लिंक दिया है, यानी कि उसका नाम मैंने स्टाइल रखा है, तो इधर मैंने स्टाइल दिया, वो यहाँ से इसका स्टाइल उठा लेगा। मैं इसको अभी बता देता हूँ, वो स्टाइल मैंने इसके अंदर लिखा हुआ है। तो ये इस तरह का जो स्टाइल होगा जो बाहर से एक हमने अलग सी फाइल बनाई होगी उसको कहते हैं एक्सटर्नल स्टाइल शीट। अब मैं आपको फर्स्ट में दिखाता हूँ, फर्स्ट में ये मैंने एम्बेडेड है, एम्बेडेड में अंदर ही मैंने लिख दिया है स्टाइल। ये देखें ये टैग के अंदर ही इनका H1 HP का मैंने पैराग्राफ का स्टाइल अंदर ही लिख दिया, इस तरह को कहते हैं एम्बेडेड स्टाइल शीट। अब जो लास्ट में है इसको हम खोलते हैं, इस पर क्लिक करते हैं, ये देखें इसका जो है मैंने लाइन के अंदर ही स्टाइल लिखा हुआ है। ये देखें रेड और इंट्रोडक्शन रेड और इसका नाम अलग, कुछ भी थोड़ा सा आप चेंजिंग कर लें, कलर कुछ चेंज कर लें, ग्रीन कर लें, हम ग्रीन कर लेते रेड की जगह ग्रीन कर लें, जो भी आपका यहाँ से ये थर्ड एक्सरसाइज के एग्जांपल जो थर्ड इनलाइन स्टाइल की है। जो अब मेन जो चीज़ मैं फील कर रहा हूँ आपको ये चीज़ बता दी जाए कि फॉर एग्जाम्पल एक्सटर्नल स्टाइल शीट, ये मैंने स्टाइल शीट कैसे बनाई है। नोट पैड से भी बना सकते हैं, नोट पैड में आपको जब इसका नाम लिखेंगे तो आपको .7.cs लिखना पड़ेगा, लेकिन जब अगर आप फॉर एग्जांपल आप ये खोलते हैं, जब आपने नोट पैड खोला हो तो इसको आप क्लोज़ कर दें, आप न्यू पर आएँ तो यहाँ पर आप कोई भी स्टाइल लिख दें, रूल लिखा इसको मैं कहता हूँ सेव एज, और यहाँ पर मैं इसका नाम रख देता हूँ माई सिर्फ रख देता हूँ, और इसकी एक्सटेंशन जो इसकी एक्सटेंशन है ये देखें, इसके एक्सटेंशन मैं चूज़ करता हूँ इसमें CSS, ये देखें स्टाइल शीट ये एक्सटेंशन मैंने चूज़ की और इसमें सेव पर क्लिक कर देता हूँ। ये देखें ये फाइल मेरी बन, ये तरीका है कि नई एक्सटर्नल स्टाइल शीट बनाने का नोट पैड प्लस प्लस के थ्रू। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।